सभी को नमस्ते। मैं हूँ नीलम और मेरी किचन शाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है और सर्दियों में मोस्टली घरों में बनता है। तो चलिए बनाते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ ली हैं 2 किलो गाजर। सर्दियाँ हैं, आजकल बहुत अच्छी गाजर आई हुई हैं, बिल्कुल जूसी गाजर हैं। ये मैंने 250 ग्राम चीनी ली है और 3 से 4 चम्मच देसी घी लिया है। गाजर के हलवे में डालने के लिए काजू बादाम लिए हैं और 5 इलायची मैंने तोड़ ली हैं। ये मैंने लिया है 1.5 लीटर गाय का दूध। दूध आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले दूध को हम उबलने के लिए रख देंगे और दूसरी साइड अपनी गाजरों को छील के कद्दूकस कर लेंगे। गाजर को आगे और पीछे दोनों किनारों से काट लेंगे और इस तरह से सारी गाजर छील के तैयार कर लेंगे। दूध में उबाल आ गया है, दूध को चला लेंगे और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। ये चम्मच मैं दूध में ही छोड़ दूंगी। ऐसा करने से दूध हमारा निकलेगा नहीं, ये एक तरीका होता है। दूध गाढ़ा होता रहेगा तब तक हम गाजरों को छील के तैयार कर लेंगे। ये मैंने सारी गाजर छील ली हैं। अब हम गाजरों को ग्रेट कर लेते हैं और बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे। दूध का बराबर ध्यान रखना है। सारी गाजरों को मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी पीस सकते हैं मोटा मोटा। देखिए इस तरह से सारी गाजर कद्दूकस कर लेंगे। सारी गाजरों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। कोई भी हैवी बॉटम की कढ़ाई या पैन ले लें। कढ़ाई में सबसे पहले हम घी डालेंगे। यहाँ मैं 2 चम्मच देसी घी डालूंगी। गाजर के हलवे को घी में ही बनाएं, तेल में ना बनाएं। घी गर्म होएगा तब तक हम दूध को चला लेते हैं। दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें ये इलायची डाल देंगे। इलायची को थोड़ी देर घी में पकाएंगे, इससे इलायची का सारा फ्लेवर घी में आ जाएगा और गाजर के हलवे में इलायची की अच्छी खुशबू आएगी। अब हम ये गाजर घी में डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे घी के साथ, और जो बाकी दूसरी गाजर है बची हुई वो भी मैं इसमें डाल लूँगी। ये मैंने सारी गाजर डाल ली हैं, मिक्स करेंगे। गाजरों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही गाजर नीचे से आ रही हैं तो इनका कलर चेंज हो रहा है गर्म होके। सारी गाजरों को मैंने मिक्स कर लिया है। गाजर पहले रेड कलर की थी, अब ये ऑरेंज हो गई है। आजकल गाजरों में पानी बहुत है, 8-10 मिनट हम इन्हें पकाएंगे ताकि गाजरों का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और गाजर भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। दूध पे जो ये मलाई आई हुई है ये भी हम दूध में ही मिला लेंगे। दूध हमारा पहले से काफ़ी कम हो गया है और जो ये पतीले के साइड में मलाई लगी हुई है इसे भी उतार के दूध में ही हम मिला लेंगे। गाजर हमारी पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं, देखिए देखने से ही पता लग रहा है। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी। दूध केयरफुली डालें क्योंकि दूध बहुत गर्म है। मिला लेंगे दूध के साथ और जो बाकी बचा हुआ दूध है वो भी मैं इसमें मिला लूंगी। गाजरों को दूध के साथ पकाएंगे। 3-4 मिनट में ही गाजर सारे दूध को अब्जॉर्ब कर लेंगी। ये देखिए गाजरों ने काफी दूध अब्जॉर्ब कर लिया है। अब डाल देंगे इसमें चीनी। चीनी मैंने 250 ग्राम ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए और कम मीठा पसंद है तो कम डाल लीजिए। लेकिन 2 किलो गाजरों में अगर 250 ग्राम चीनी डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनेगा। चीनी ने पानी छोड़ दिया है। 2-3 मिनट में ही गाजर सारे पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगी। ये देखिए पानी ज़्यादातर अब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी इसमें ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू बादाम लिए हैं। आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। और ड्राई फ्रूट्स ना भी डालें तो भी कोई बात नहीं, गाजर का हलवा तो बिना ड्राई फ्रूट के भी बहुत टेस्टी लगता है। लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दूंगी। घी आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। लास्ट में घी डालने से टेस्ट तो बढ़ता ही है, हलवे में एक हल्की साइन भी आ जाती है। जब चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छी लगती है।
ये देखिए कितना अच्छा चमक रहा है। बहुत बढ़िया हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हुआ है। ये ऑलमोस्ट बन चुका है, 2-3 मिनट और चला लेते हैं। आप भी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। इस तरह से अगर गाजर का हलवा बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनेगा और बहुत कम टाइम लगेगा। गाजर का हलवा बनके तैयार है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, 1 मिनट ठंडा होने देते हैं। ये मैंने गाजर के हलवे को निकाल लिया है। काजू और पिस्ता से इसकी हल्की गार्निश कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, थोड़ा पिस्ता भी डाल लेते हैं। ये हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।